गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ पॉलीगॉन के नाम दे रखे हैं। आपसे कहा है आप इसमें बताइए कितने डायगोनल होंगे। आपको बच्चों विकर्णों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले आपसे कहा है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बेटा क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कितनी साइड हो, 4 साइड हो, तो होगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज। तो देखिए 1 2 3 4, 4 साइड है मतलब क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब बेटा यहाँ क्या कहा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कहा है मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके चारों ही वर्टेक्स बाहर की तरफ होना चाहिए, तो ये बन गया कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब बच्चों आपसे कहा है आप इसके डायगोनल बताइए। बेटा डायगोनल बनते कैसे हैं, वर्टेक्स से वर्टेक्स को मिलाकर डायगोनल बनते हैं। देखिए यदि आप ए वर्टेक्स की बात करते हैं तो बेटा ए वर्टेक्स से बी वर्टेक्स जुड़ा है और डी वर्टेक्स जुड़ा है, तो बेटा जो जुड़े हुए हैं उनको छोड़ दो और बाकी बचे हुए वर्टेक्स से इसको जोड़ दो। देखिए ए से बी जुड़ा है और डी जुड़ा है, इन्हें छोड़ दो। अब बचा क्या, बचा बेटा सी वर्टेक्स, तो बेटा इनसे आप सी को मिला दो, ये एक डायगोनल बन गया। ठीक है, अब आप आइए दूसरे वर्टेक्स पे। दूसरा वर्टेक्स क्या है, बी। अब बी से ए जुड़ा है और सी जुड़ा है, तो कौन सा वर्टेक्स बच गया, तो बेटा डी बच गया, तो बी से आप डी को जोड़ दो। ठीक है, अब बेटा यदि आप तीसरे वर्टेक्स पे आते हो तो तीसरे वर्टेक्स से बेटा बी और डी जुड़ा है। ठीक है, तो बेटा अब कौन सा बच गया, तो ए बच गया, तो सी से ए को जोड़ दो, वो तो हमने जोड़ रखा है। ठीक है, अब आते हैं चौथे वर्टेक्स पे मतलब डी पे। डी से बेटा सी और ए दोनों जुड़े हैं, तो क्या बच गया, बी बच गया, तो डी से बी को आप जोड़ दो, ये बन गए डायगोनल, तो पहले से ही जोड़ रखा है। कुल मिला के डायगोनल बने कितने, एक बना बेटा ए सी और दूसरा बना बी डी। इस तरह से बेटा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल कितने होंगे, 2 होंगे। अब बच्चों अगला पॉलीगॉन दिया है रेगुलर हेक्सागॉन। बेटा हेक्सागॉन में 6 साइड होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड, और बेटा रेगुलर बोला है मतलब हर एक साइड इक्वल है, तो बेटा ये सभी साइडें क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब बेटा हमें इसके डायगोनल बनाने हैं। मैंने आपसे कहा था आप जो भी वर्टेक्स लेते हो तो बेटा उससे जुड़े हुए वर्टेक्स छोड़ दो, बाकी बचे हुए से उस वर्टेक्स को जोड़ दो। देखिए इस तरह से यदि आप ए से शुरुआत करते हैं तो ए से बेटा बी और एफ जुड़ा है। ठीक है, इन दोनों को आप छोड़ दो, बाकी से बेटा आप ए को जोड़ दो। इस तरह से ए से सी को जोड़ा, एक डायगोनल हो गया ए सी। ठीक है, ए से डी को जोड़ा, दूसरा डायगोनल हो गया ए डी। ए से ई को जोड़ा, तीसरा डायगोनल हो गया ए बी। ठीक है, अब बेटा आप बी वर्टेक्स की बात करो। बी वर्टेक्स से बेटा ए और सी जुड़ा है, तो बच्चों ए और सी को आप छोड़ दो, तो डी ई और एफ को हमें जोड़ना है। सबसे पहले बेटा बी से एफ को जोड़ लो, बी से डी को जोड़ दो और बी से ई को जोड़ दो, ये 3 डायगोनल हो गए। अब इसे लिख लेते हैं, बी से एफ को जोड़ा बी एफ, बी से डी को जोड़ा बी डी और बी से ई को जोड़ा बी ई। ठीक है, अब बेटा तीसरे वर्टेक्स की बात कर लेते हैं, सी वर्टेक्स। अब बेटा ये सी वर्टेक्स डी और बी दोनों से जुड़ा है। ठीक है, तो बेटा डी और बी को आप छोड़ दो, क्या बचा, ई बचा, एफ बचा और ए बचा। सबसे पहले बेटा सी से ई को जोड़ा तो सी ई डायगोनल। ठीक है, सी से आप एफ को जोड़ दो तो सी एफ डायगोनल, और बेटा सी से आप ए को जोड़ो तो बेटा सी से ए पहले से ही जुड़ा है तो आप मत जोड़िए। ठीक है, आप डी से एफ को भी जोड़ सकते हो। ठीक है, इस तरह से बेटा एक डी एफ भी डायगोनल बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब ये हुआ रेगुलर हेक्सागोन में नंबर ऑफ डायगोनल 9 होते हैं। अब बच्चों आगे आपसे ट्राइंगल कहा है, तो बेटा ए बी सी एक ट्राइंगल बना लिया, हमें बेटा इस ट्राइंगल के डायगोनल पता करना है। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था जिस भी वर्टेक्स से आप स्टार्ट करते हो तो उससे जुड़े हुए वर्टेक्स आपको नहीं लेना है, उसको छोड़ के जो वर्टेक्स बचे उससे बेटा आपको ए को जोड़ना होगा और डायगोनल पता करनी होगी। लेकिन बच्चों ए से बी और सी दोनों जुड़ा है और कोई वर्टेक्स है ही नहीं, तो बेटा आप ए से किसी वर्टेक्स को जोड़ ही नहीं पाए, मतलब डायगोनल नहीं बना। ठीक है, इधर चलिए, यदि आप बी वर्टेक्स की बात करते हो तो बी से सी और ए दोनों जुड़ा है,
इसके अलावा बेटा और कोई वर्टेक्स है ही नहीं, तो बी से भी आप किसी वर्टेक्स को जोड़ नहीं पाए, डायगोनल नहीं बन पाए। ठीक है, इसी तरह से बेटा आप सी वर्टेक्स की बात करोगे तो सी से बेटा ए और बी वर्टेक्स जुड़ा है, तो इनको छोड़ के बचा हुआ वर्टेक्स कोई भी नहीं है, तो बेटा हम सी से किसी वर्टेक्स को जोड़ ही नहीं पाए। इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल में नंबर ऑफ डायगोनल जीरो होते हैं, विकर्णों की संख्या शून्य होती है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।